आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉ. राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अपने संपूर्ण देशवासियों को शत शत नमन करता हूं। साथ ही इस महान जयंती के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। भारत भूमि पर डॉक्टर BR अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने दलितों, वंचितों एवं शोषितों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 10 अनमोल विचार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो हमें सदा प्रेरित करता रहेगा और हमारे जीवन को बदलने का काम करेगा। तो आइए चलते हैं उनके 10 महान विचार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाबा साहब का विचार था, हमें भाग्य में नहीं, हमें अपनी शक्ति में विश्वास करना चाहिए। हमें भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठे मत रहो, अपना कर्म करो। श्रीमद्भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए हम सबों को अपना कर्म करना चाहिए, अपना फर्ज अदा करना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा था, मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो आज उस समाज को बाबा साहब के जो सपने थे उसे सोचना चाहिए कि आखिर बाबा साहब रात्रि में भी क्यों जागते थे। यह विचार हमें झकझोरता है कि हमें बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा था, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम करेगी ये दुनिया। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानना होगा, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है, संघर्ष से ही मिलती है। बाबा साहब का विचार था, व्यक्ति जन्म और जाति से महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में विश्वास करना चाहिए, और बाबा साहब ने इस कार्य को करके दिखाया और आज पूरे जनमानस के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है। इसलिए आज भी मनुवाद के जो फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब के संदेश का अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने कहा था, राष्ट्र निर्माण किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार में कहा था, अपने देशवासियों को विशेषकर दलित समाज के लोगों को, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण विचार था, जिस तरह मानव शरीर नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधों को विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह विचार के विकास के लिए भी प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, अन्यथा दोनों ही मुरझा जाते हैं। ऐसे में दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए हम सबों को बाबा साहब के अनमोल विचारों को जन जन तक ले जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब के विचार आज भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने दलित समाज को एम्पावरमेंट के लिए सदा काम किया है। आज हम संकल्प लेते हैं और सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उनके जो महान विचार आए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का हम आज कार्य करेंगे और संकल्प लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।